एलिश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें किसी शख्स को जोरदार थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर के एक बड़े रेस्टोरेंट में एलिश यादव पहुंचे थे। वायरल वीडियो में वहां काफी लोग भी मौजूद दिख रहे हैं। इसी बीच काली जैकेट पहने एलिश यादव ने अचानक से एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने थप्पड़ खाने वाले शख्स को मुनव्वर फारूकी का फैन बताया, जो हिंदू धर्म और एलिश की माँ को गालियाँ दे रहा था। हालांकि कई लोगों ने गालियाँ देने वाली बात को सच माना। बता दें कि एलिश यादव की पीआर टीम ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि घटनाक्रम पर एलिश का एक बयान वायरल हो रहा है। एक वायरल वीडियो में एलिश कहते दिख रहे हैं कि देखो भाई, मैटर ये कि ना मेरे को लड़ाई करने का शौक है, ना हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखकर नॉर्मल चलता हूँ। जो फोटो खिंचवाने को कहता है फोटो खिंचवाता हूँ, और तुम्हें दिख रहा है कि साथ में पुलिस भी चल रही है और कमांडो भी है कि कुछ गलत कर दिया और पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई मुझे माँ बहन की गाली देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे बोला और मैंने जाके उसे दे दिया। उसने गाली बकी तो मैंने उसे दे दिया। मैं अपने स्टाइल का हूँ, वो मुँह से बोलता है, अब मुँह से नहीं बोल पाते भाई। इस पूरी घटना के बाद आज सुबह से एक्स पर एलिश यादव ट्रेंड कर रहा है, जिस पर अब तकरीबन हजारों लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं।